Hello students, I hope you all are in good of your health. आज अपन गल करते हैं ASP dot net बारे। काफी messages आ रहे थे कि dot net की videos upload करो या dot net की classes वगैरह ले भी आ रहे हैं online offline ऐसी classes भी start कर रहे हैं dot net की। तो आज अपन देखेंगे कि ASP dot net सब तो पहला कि क्यों पढ़ना चाहिए, जरूरी क्यों है। लैंग्वेजेस तो बहुत होर भी काफी है, वाई एएसपी डॉट नेट इज इंपोर्टेंट, राइट। तो सब तो मेन गल है कि जो एएसपी डॉट नेट है उन्होंने बैकएंड कर दिया माइक्रोसॉफ्ट, राइट। माइक्रोसॉफ्ट बैकएंड कर दी है डॉट नेट नो, तो उस दे नाल ही डाटाबेस है एमएस इक्वल माइक्रोसॉफ्ट इक्वल सर्वर। तो एएसपी डॉट नेट की क्या खासियत है, ASP.NET फास्ट है, जो हम लेटेस्ट फ्रेमवर्क्स आए ने .NET दे .NET कोर आ गई है वो काफी फास्ट है, ते ओपन सोर्स है .NET फ्रेम कोर ओपन सोर्स है, अपन किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर .NET कोर का कोड कर सकते हैं, ते फास्ट है, बहुत बढ़िया स्पीड है इसकी। ते सिक्योरिटी, सिक्योरिटी से सब तो बेस्ट है .NET, एंगुलर रिएक्ट वगैरह होर किनिया ही लैंग्वेजेस ला लो तुसी, बेशक वो स्पीड दे विच अगर इस तो कुछ फास्ट भी ने, लेकिन वो सिक्योरिटी के मामले में .NET से अच्छी नहीं हो सकती, .NET बेस्ट है सिक्योरिटी पे, राइट। और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, ग्लोबली ये चलती है टेक्नोलॉजीज, और आप कोई भी साइट वगैरह कोई भी प्लेटफॉर्म की एप्लीकेशन आप बना सकते हो। हम ASP.NET से क्या बना सकते हैं, कौन सी एप्लीकेशन बना सकते हैं, सबसे पहले बता दूं मैं कि जो .NET है वो सर्वर साइड लैंग्वेज है, एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है, राइट। तो ये यूज होती है डायनेमिक वेबसाइट एप्लीकेशंस बनाने के लिए। डायनेमिक कौन सी होती है, जो डाटाबेस के साथ कनेक्टेड होती है, राइट। और .NET में हम बना सकते हैं वेब एप्लीकेशंस, वेब फॉर्म्स, राइट, और MVC। आपको आई होप आपको ऐड हो मॉडल व्यू कंट्रोलर वो वाले, और मोबाइल एप्लीकेशंस लाइक Xamarin Forms अगर आपने सुना है, जिसमें हाइब्रिड मोबाइल एप्स बनाई जाती हैं, लाइक जो iOS पे भी चल सके मोबाइल एप्स, एंड्रॉयड पे भी और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी, और जो विंडो 11 है 10 है इनकी एप्लीकेशंस भी .NET में बन जाती हैं, राइट। और इसके अलावा डेस्कटॉप एप्लीकेशंस आपने सुना होगा, जिन्हें हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जो बनती हैं हमारी विंडो फॉर्म्स में, राइट। और यार WPF वगैरह में हम डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, राइट। और देखते हैं कि इसे सीखने के लिए हमें पहले क्या कुछ आना चाहिए, राइट, प्री रिक्वेस्ट क्या कुछ है। सबसे पहले आपको वेब डिजाइनिंग आनी चाहिए, HTML आना चाहिए, बेसिकली आपको मेन HTML का आइडिया होना चाहिए। अगर आपको नहीं है तो मैं लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, आप उस लिंक पे जाके चेक कर सकते हो, और हमारे YouTube पे ट्यूटोरियल्स हैं HTML के, वहां से भी आप सीख सकते हो, राइट। HTML सीखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर नहीं सीखा तो पहले वो सीख लीजिए प्लीज। और इसके लिए हमें C# है, वो C# के ट्यूटोरियल्स हम कंटिन्यू करेंगे अभी। C#, इसमें दो लैंग्वेजेस, इसमें वैसे तो ये विजुअल स्टूडियो 100 से प्लस लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, राइट, लेकिन हमें मेनली जो .NET में यूज होती है वो होती है VB और .NET। VB मींस विजुअल बेसिक, और C#। तो हमने VB और C# में से हम C# पे ट्यूटोरियल्स करेंगे, अपने ट्यूटोरियल्स कंटिन्यू C# पे करेंगे। अगर किसी को विजुअल बेसिक स्पेशली चाहिए सीखनी है तो वो हमें DM कर सकता है, वो कॉन्टेक्ट कर सकता है, राइट। लेकिन हम ट्यूटोरियल्स अपने C# में कंटिन्यू करेंगे, और विजुअल स्टूडियो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा विजुअल स्टूडियो, और आपके पास डाटाबेस भी होना चाहिए MS SQL, राइट। आई थिंक जो लेटेस्ट वर्जन है उनके 2022 के रिलीज हैं, आप डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट की साइट से डाउनलोड कर सकते हो, राइट। और हम कौन कौन से टेक्नोलॉजी कर सकते हैं इस पर, जैसे C# तो हमें सीख ही लेंगे, राइट, और JavaScript वगैरह हो गया, HTML हो गया, और ASP.NET MVC करेंगे हम,
सी शार्प सीखेंगे, एसक्यूएल सीखेंगे, एडियो डॉट नेट भी सीखेंगे। आई होप एडियो डॉट नेट के बारे में आइडिया होगा। अगर नहीं है आप कंटिन्यू रहना क्लासेस में, मिस मत करना वीडियो, आप सीख जाओगे राइट। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस कर लो ताकि कोई वीडियो आपकी मिस ना हो। अब हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री देखते हैं। जो सबसे पहले ASP.NET कब आया था, आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वगैरह बना ली थी उसने मोस्टली अपनी XP वगैरह, और उसके बाद लेट 1994-95 के अराउंड वो ऐसी लैंग्वेज पे काम करने लग गए, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने में काम करने लगे जो डायनेमिकली काम कर सके राइट। सबसे पहले उन्होंने ASP लैंग्वेज बनाई राइट। ASP की फुल फॉर्म थी एक्टिव सर्वर पेज, जिसे हम आजकल क्लासिक ASP बोलते हैं। आपने शायद किसी ने सुना होगा क्लासिक ASP, जो गूगल पे सर्च कर लेना। सबसे पहले ASP क्लासिक ASP बनी थी 1998 में, आई थिंक 1998 में फर्स्ट रिलीज आई थी ASP की, और उसकी एक्सटेंशन थी .ASP। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर्स इस पे काम करते रहे इसे और अच्छा बनाने के लिए, और 2002 में सबसे पहला .NET फ्रेमवर्क का वर्जन आया था। सबसे पहली रिलीज .NET फ्रेमवर्क का आई थी 2002 में, .NET फ्रेमवर्क 1.0, और उसके बाद कॉन्टिन्यूसली उसमें अपग्रेड्स होते गए, C# के वर्जन भी चेंज होते गए राइट। मुझे कमेंट करके बताना कि C# का लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है ठीक है। और धीरे धीरे आई थिंक 4.8 था जो फाइनल वर्जन था .NET फ्रेमवर्क का। उसके बाद .NET कोर पे आ गए हम, माइक्रोसॉफ्ट ने .NET कोर रिलीज कर दी 2016 में .NET कोर 1.0 वर्जन आ गया था। .NET कोर है जो वो फास्ट है, और एक्चुअली जो पहले जो .NET फ्रेमवर्क में इशू था कि ये इस पे हम सिर्फ विंडो में ही काम कर पाते थे, हम मैक में पहले नहीं चला पा रहे थे राइट, और किसी और सर्वर पे हम अपनी वेबसाइट को होस्ट भी नहीं कर सकते थे। जैसे कि विंडोज के वर्जन होते हैं ना, विंडो आ रही है हमारी माइक्रोसॉफ्ट के, ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स आते हैं और हमें होस्टिंग लेनी पड़ती है सर्वर पे जब हम कोई भी वेबसाइट अपनी अपलोड करते हैं राइट, ताकि वो सभी को दिखे। तो होस्टिंग हमें पहले मजबूरन ही विंडोज सर्वर्स पे लेनी पड़ती थी, और कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि और किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे .NET चलता ही नहीं था। तो काफी ड्रॉबैक्स थे, तो उनसे ओवरकम होने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने .NET कोर रिलीज किया, जिसे मैं मैकिंटोश या लिनक्स किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इजीली चला सकता हूँ। और इसके साथ ही उन्होंने विजुअल स्टूडियो कोड रिलीज किया, जो कि विजुअल स्टूडियो से काफी लाइट वेट है क्योंकि उसमें पहले से ही क्लासेस वगैरह इंस्टॉल नहीं होती, और उसमें आप कोई भी लैंग्वेज पे काम कर सकते हो, C++, .NET कोर, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर, रिएक्ट, कोई भी। विजुअल स्टूडियो कोड है वो टोटली फ्री है और किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल पड़ता है राइट। तो उससे .NET कोर में लोगों को काफी अच्छी लगी है, और .NET कोर पे ही फिर माइक्रोसॉफ्ट काम करने लगी। और उसके बाद उसके नेक्स्ट वर्जन आते रहे, और 3.1 आई थिंक लास्ट वर्जन था उसका। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने .NET सिर्फ .NET नाम करके ही रिलीज करने लगे अगले वर्जन। तो 2020 में सबसे पहला वर्जन आया .NET 5, कोर वर्ड भी हटा दिया .NET 5। और उसके बाद .NET 6 आया, और उसके बाद .NET 7, अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो .NET 7 है। आई थिंक .NET 7 लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट हम .NET 6 की देंगे, 7 की नहीं। तो अगर आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो .NET 6 पे करना, और एट द एंड ऑफ दिस ईयर .NET 8 भी रिलीज हो जाएगी राइट। ये हैं हमारे .NET के वर्जन। और जो .NET के एक्सटेंशंस थी ESP की क्लासिक की थी ASP, और .NET फ्रेमवर्क की एक्सटेंशन है .NET ASP X,
और इसमें दो पेज बनते हैं, एक डिजाइन के लिए और एक सी शार्प के कोड के लिए। जो सी शार्प का कोड का पेज होता है उसके एक्सटेंशन है ESPX.CS, अगर CS से कर रहे हैं। अगर VB.NET से कर रहे हैं आप तो उसकी बनती है ASPX.VB, लेकिन हम करेंगे सी शार्प से। और इसके साथ ही SQL, अगर हम कहते हैं कि हमारी साइट डायनेमिक है, हमने डायनेमिक वेबसाइट बनानी है, तो ऑब्वियसली उसका डाटाबेस होगा कोई, तो हम डाटाबेस अपने ट्यूटोरियल्स में यूज करेंगे MS SQL। और MS SQL की भी फर्स्ट रिलीज ASP क्लासिक के साथ ही हुई थी 1989 में MS SQL की भी पहली रिलीज आई थी, और उसके बाद कंटिन्यू है। और आई थिंक विज स्टूडियो का आज का लेटेस्ट वर्जन 2022 है, 2022, और आई थिंक 2020 या 19 है हमारा MS SQL का, राइट। ये आप अपने सिस्टम्स में इंस्टॉल कर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हो, कम्युनिटी वाला आप कर सकते हो विज स्टूडियो, जो कि फ्री होता है, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए उसे। और डेवलपर्स के लिए MS SQL आता है, वो वाला आप डाउनलोड कर लीजिए, दोनों फ्री हैं, कोई कॉस्ट नहीं है। और ये अपना सेटअप तैयार करिए और हम डे बाय डे डेली ट्यूटोरियल्स लेके आएंगे ASP.NET सीखने के लिए, राइट। अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी पूछना है, आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो, राइट, या कमेंट कर सकते हो। और अब बात करते हैं हम विजुअल स्टूडियो, जो विजुअल स्टूडियो आप डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, वो काम कैसे करता है, राइट। आई थिंक आपको अगर पीछे दिखाई दे रहा है, बोर्ड पे लिखा है मैंने विजुअल स्टूडियो, उसे बोलते हैं हम IDE, जिसपे हम कोड कर सकते हैं, राइट। और किसी भी लैंग्वेज को कंपाइल करने के लिए कंपाइलर चाहिए, जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सबसे पहली लेयर में है कंसोल एप्लीकेशंस, विंडो फॉर्म एप्लीकेशंस और वेब APIs, वेब फॉर्म्स, वेब सर्विस एंड सो ऑन, वो है पहली लेयर। और वो किस पे डिपेंड करती है, किस पे चलती है, .NET फ्रेमवर्क बेसिक क्लासेस, जो बेसिक क्लासेस .NET की पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं उन पे चलती है, राइट। और उसके बाद आती है CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, राइट। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्या करती है, कोड को कंपाइल करती है, और कुछ और भी चीजें लाइक जो कोड यूज नहीं हो रहा उसे गार्बेज में हटा देती है, एक्सेप्शन वगैरह हैंडल करती है, ये हम डिटेल में करेंगे, ये है लास्ट लेयर। उसके बाद कोड मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है और हम आउटपुट देख पाते हैं, राइट। और विजुअल स्टूडियो आप इंस्टॉल करोगे और उसके बाद उसके हम फीचर्स देखेंगे वन बाय वन। और जैसे ही आप विंडो इंस्टॉल करते हो तो .NET के फ्रेमवर्क काफी इंस्टॉल हो जाते हैं, और मेनली IIS सर्वर है जो, वो हम यूज करते हैं अपना प्रोजेक्ट रन करने के लिए। IIS सर्वर भी विंडो वाले लैपटॉप में ऑलमोस्ट इंस्टॉल होता है, अगर नहीं होता यू कैन सर्च फ्रॉम गूगल एंड डाउनलोड इट, राइट। अगर किसी को कोई किसी चीज को नहीं समझ आ रही, पूरे ट्यूटोरियल में सील्स में बोल रहा हूँ, अगर किसी को नहीं कोई समझ आएगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी।